हेलो नमस्कार साथियों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम फिर से लेके आए हैं करंट अफेयर जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है गिर संरक्षित क्षेत्र के आसपास इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है पर्यटन को बढ़ावा देना, सतत विकास के साथ एशियाई शेरों के संरक्षण को संतुलित करने, वन क्षेत्र को बढ़ाना, नए गांव बनाना। तो दोस्तों इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सतत विकास के साथ एशियाई शेरों के संरक्षण को संतुलित करना। सरकार ने गिर संरक्षित क्षेत्र के आसपास 1.84 लाख हेक्टेयर को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। लक्ष्य सतत विकास की अनुमति देते हुए गिर में एशियाई शेरों की रक्षा करना है जो उनका एकमात्र प्राकृतिक घर है। आगे देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ये आप सभी जानते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हम पहले भी करवा चुके हैं। ये है आपका 39, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत 39वें स्थान पर है। आगे देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 के अनुसार शीर्ष 5 सबसे नवीन अर्थव्यवस्था वाले देश कौन से हैं? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर और यूके, चीन, भारत, अमेरिका, फ्रांस और जापान, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, सिंगापुर और स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और भारत। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए वाला हो जाएगा, यानी कि स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर और यूके। ठीक है, अगला देखते हैं। मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है नोंगपो काकचिंग, एंड्रो विलेज, उखरूल गांव, खोंगजोंग गांव। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है एंड्रो विलेज, ये आपका सही हो जाएगा। एंड्रो विलेज पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता के 2024 संस्करण में मणिपुर के एंड्रो गांव को विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। अगला देखते हैं। बी वन लालवना को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अर्जेंटीना, क्रोएशिया, जापान, कंबोडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी वाला हो जाएगा, यानी कि कंबोडिया। ठीक है, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी बी वन लालवना को कंबोडिया में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। साल 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। आगे देखते हैं। शिगेरु इशिबा को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है मलेशिया, जापान, रूस, केन्या। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा बी वाला, यानी कि जापान। जापान आपका सही आंसर है। जापान के पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरु इशिबा को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वह अगले सप्ताह नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बता दें कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का सत्तारूढ़ गठबंधन वर्तमान में संसद को नियंत्रित करता है। आगे देखते हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ने 5G ORAN टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन है अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, एस जयशंकर। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ठीक है, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT बेंगलुरु परिसर का दौरा किया और 5G ORAN परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने तेजस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वायरलेस कम्युनिकेशंस का उद्घाटन उनके बेंगलुरु मुख्यालय में किया है। आगे देखते हैं। बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश के प्रमुख के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, अमेरिका, जापान,
चीन। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जो सरकारी खरीद पर नियम लागू करेगा। इसे बाई अमेरिका आदेश कहा जा रहा है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना और छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना है। यह जो बाइडेन द्वारा प्रस्तावित बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान है। ठीक है, आगे देखते हैं। अल होल जो अपने शरणार्थी शिविर के लिए खबरों में था, किस देश का एक शहर है? तो ऑप्शन है इजराइल, सीरिया, चीन, चिली। तो इसमें जो आपका बी वाला ऑप्शन है सीरिया, यानी कि ये सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी प्रमुख देशों ने देश से अल होल में एक विशाल शिविर में फंसे बच्चों को वापस लाने का आग्रह किया है। इन 27,000 बच्चों में से कई इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के बच्चे हैं। अल होल कैंप उत्तर पूर्वी सीरिया में स्थित शरणार्थियों और विस्थापितों के लिए देश का सबसे बड़ा कैंप है। आगे देखते हैं। हाल ही में हमीद बगायको का निधन हुआ, वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन है घाना, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया, सुडान। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हमीद बकायको का हाल ही में जर्मनी के कैंसर से निधन हो गया। उनकी उम्र 56 साल थी। जुलाई 2020 में अमदो गौ की मृत्यु के बाद उन्हें राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं। कौन सा देश गंभीर सूखे की चपेट में आने के बाद 1 मिलियन घरों के लिए पानी की राशनिंग करेगा? ऑप्शन है चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाईलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ताइवान, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भयंकर सूखे की चपेट में आने के बाद ताइवान ने 1 मिलियन से अधिक घरों के लिए पानी का नियंत्रित वितरण करने का निर्णय लिया है। ताइवान आधी सदी से भी अधिक समय के अपने सबसे खराब सूखे का सामना कर रहा है। आगे देखते हैं। नोरा अल मात्रोशी को किस देश द्वारा पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, यूएई, ईरान। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका यूएई, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अगले 2 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम घोषित किया है। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तोम ने नोरा अल मात्रोशी को यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है। प्राप्त हुए 4,000 से अधिक आवेदनों में से 2 अंतरिक्ष यात्रियों की पहचान की गई है। दोनों अंतरिक्ष यात्री ह्यूस्टन में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में विशेष अंतरिक्ष प्रशिक्षण से गुजरेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे का फिर मिलेंगे इसी क्रम में कल। बहुत बहुत धन्यवाद।